विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने सुलह हलके की ग्राम पंचायत बछवाई में 2,87,00,000 रुपए की लागत से निर्मित होने वाली उठायु पेयजल योजना बुहला मेजा ग्रहण ग्रेला कला फुलवार का भूमि पूजन किया। बछवाई में जनसभा को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस योजना के निर्माण से चंगर क्षेत्र के 12 गांवों की लगभग 2500 आबादी लाभान्वित होगी। उन्होंने कहा कि लोगों को भरपूर पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना में 3 नए पेयजल भंडारण टैंकों का निर्माण भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में बनने वाली इस योजना के निर्माण के पश्चात चंगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत वचवाई कोना घराना और बटाहन में पेयजल की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि इसमें पुरानी पाइपों को बदलने के साथ पुरानी पंपिंग मशीनों को भी बदला जा रहा है और हर घर में जल से नल योजना में नए 150 निःशुल्क नल लगाए जा रहे हैं। परमार ने कहा कि सुलह हलके के चंगर क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की योजनाओं पर कार्य जारी है। उन्होंने कहा कि गांव बछवाई चलाह गड़ेला में 10,00,000 से लगभग 3 किलोमीटर नई पाइप, ग्राम पंचायत कोना के लिए 1.5 किलोमीटर नई पाइप और गांव अंद्रोली व दोरियादा लाहड़ की 2100 मीटर पाइप बदलने पर 8,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सुलह हलके में सड़कों के निर्माण कार्य भी लोगों की सुविधा के लिए प्राथमिकता के आधार पर जारी हैं। क्षेत्र में बड़ी सड़कों के निर्माण के साथ गांवों के साथ जोड़ने के लिए संपर्क सड़कों के नेटवर्क को और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बछवाई को थुरल से जोड़ने के लिए 10,94,00,000 से थुरल बछवाई सड़क और न्यूगल नदी पर पुल निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डूहक से गर्थू सड़क निर्माण पर 2,17,00,000, डूहक से दोरिया हरिजन बस्ती सड़क निर्माण पर 10,00,000, थुरल से चुला सड़क एवं पुल निर्माण पर 8 करोड़ रुपए तथा डूहक से दावी सड़क के निर्माण पर 30,00,000 रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बछवाई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सत्रोन्नत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है और 4 चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है। उन्होंने लोगों को आश्वासन किया कि जमीन की उपलब्धता पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिए धनराशि मुहैया करवा दी जाएगी। उन्होंने गांव संपर्क सड़क निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। इसके उपरांत उन्होंने यहाँ लोगों की समस्याओं को भी सुना और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा कर दिया। और उस पंचायत का बनने पर मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूं। छोटी पंचायत है, विकास अधिक होगा, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। तो आप सभी यहां पर आए, आपका मैं अभिवादन, प्रिंसिपल साहब ने कुछ बातों की तरफ जिक्र किया है, आप उसका लिख करके दे दें, हम क्रमबद्ध तरीके से उन बातों पर समस्याओं का हल करेंगे। ये निवेदन, यहाँ पुली का निर्माण हुआ, सड़क के माध्यम से उस गांव को जोड़ने की कोशिश हुई, और भी जो जिन बातों का जिक्र यहाँ हुआ है, बड़े बड़े करोड़ों के काम शुरू हो गए। अब गांव की तरफ छोटे लिंक रोड में को ठीक करने की प्राथमिकता हमारी है, यही मैं कहना चाहता हूं। भाजपा को सुदृढ़ करिए, मजबूत करिए, आपकी पार्टी देश की पार्टी, आपकी जरूरतों को समझने वाली पार्टी जब जाती है तो वचन को पूरा करना, भगवान के रूप में आप हैं, आपके सामने जो इस मुंह से जो शब्द निकलते और उस आचरण के अनुरूप हम काम करते हैं, ये थोड़े वर्षों में बछवाई, एक वर्ष में बछवाई सीधा थुरल के साथ जुड़ेगा, बड़ा अस्पताल थुरल में है, तहसील सब तहसील नहीं, तहसील थुरल में है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे उस पुराने खंडर में नहीं, सुंदर भवन में बीसीए शुरू हो गई, पीजीडीसीए शुरू होने वाली है, वहां पर प्राप्त कर सकेंगे। हम कोरोना के बाद जैसे ये कोरोना खत्म होता है इस इलाके से बसों की व्यवस्था करेंगे, यही कहना चाहता हूं। अंत में आप सभी यहां पर आए, आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। मास्क लगा के रखना, अभी बीमारी खत्म नहीं हुई है, 2 गज की दूरी पर रहना, ये आपसे गुजारिश, घर में बार बार हाथों को धोना, क्योंकि आपकी जरूरत घर वालों को बहुत है, जान है तो जहान है। मैं भी कोरोना ग्रसित हो गया था, हमने पंचायत घर के नजदीक एक जो पीने के पानी की स्कीम है,
जिसका लाभ बूला मेंजा गदरेड़ गहेला कला फुलवार बछवाई की जनता को मिलने वाला है। उसका आज हमने भूमि पूजन किया है और भूमि पूजन जो हुआ है वो लोगों की उपस्थिति में हुआ है। उपस्थिति इसलिए होती है क्योंकि आप भविष्य के गवाह बन सकें।